जगदलपालपुर। वैसे तो प्रदेश के मालवा निमाड़ क्षेत्र में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी अस्थि संचय गंभीर शिप्रा नर्मदा गंगा नदी में किया जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के देपालपुर में कलोता समाज के डाबी परिवार ने अस्थि संचय में चिता की राख की परंपरा को नदियों में न डालते हुए पिता की चिता की राख को फलदार बड़े बड़े वृक्ष की मिट्टी में शामिल कर अपने पितरों की यादगार वृक्ष लगाया गया, जिससे डाबी परिवार की पितरों की यादगार में हमेशा वृक्ष साया के रूप में उनको आशीर्वाद प्रदान करें। वीओ इंदौर जिले के देपालपुर में प्रबुद्ध बुद्धिजीवी शामिल डाबी परिवार ने कलोता समाज के इतिहास में एक नई पहल की है, जिसके कारण सभी लोगों उनकी इस पहल को सराहना है। सुपरिटेंडेंट ऑफ कस्टम या सीमा शुल्क अधीक्षक व सीजीएसटी अधीक्षक कमला सिंह डाबी, गांधीनगर समिति प्रबंधक गुलाब सिंह डाबी, एडवोकेट दिलीप सिंह डाबी के पिता शंकर सिंह डाबी का देवलोक आगमन 18 जून को हो गया है, जिनकी याद में तीनों बेटे व डाबी परिवार ने देपालपुर के अरिहंत नगर कॉलोनी बगीचे में चिता की राख गोबर खाद तालाब की ताजी वाय मिट्टी का मिश्रण कर फलदार बड़े बड़े वृक्ष लगाया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में नगर के गणमान्य नागरिक मौजूद थे। देपालपुर से रमेश चंद्र राठौर की रिपोर्ट। परिवार द्वारा इनके पिताजी श्री शंकर सिंह जी डाबी की स्मृति में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया है। वृक्षारोपण से पर्यावरण का भी सुधार होगा और वायुमंडल में भी सुधार होगा, और इस कार्य के लिए डाबी परिवार को बहुत बहुत बधाई। और ये अच्छा रचनात्मक काम किया है इनने, धन्यवाद। नगर सुरक्षा समिति देपाल। उनके राख और अवशेष नदियों में बहा देते हैं। अब नदियों का पानी प्रदूषित हो चुका है, इसलिए हमने संकल्प लिया कि हमारे पिताजी की मृत्यु के पश्चात हम नदियों का पानी प्रदूषित न करेंगे। उनकी राख उनके अवशेष हमने अपने उनको पेड़ की जड़ों में डालकर उनको बड़ा करने का संकल्प लिया है। ये पेड़ जब बड़े होंगे तो ये हमें हमारे पिताजी की याद दिलाते रहेंगे। मैं सभी से अनुरोध करूँगा कि अपने परिजनों की राख को अवशेष को नदियों में बहाकर उनको प्रदूषित ना करें, क्योंकि नदियों में बहाकर प्रदूषित ना करें, और अपने परिजनों की स्मृति में पेड़ लगाएं और उनमें भी अवशेष डालें, या अपने खाली प्लाट या खेतों में छिड़क दें और नदियों को प्रदूषित ना करें। हमने आज अपने पिताजी की स्मृति में 21 पौधे लगाए हैं और इनको बड़ा करने का संकल्प लिया है। आज चूंकि योगिनी एकादशी का भी अवसर था, इसलिए हमने त्रिवेणी लगाए हैं जो कि शास्त्रों के अनुसार बहुत पवित्र होती है। जब जब भी हम इसकी पूजा करेंगे, इसमें जल चढ़ाएंगे, इसके आसपास परिक्रमा लगाएंगे, हमें हमारे पिताजी की याद आती रहेगी और हम हमारे पिताजी हमें आशीर्वाद देंगे। कमल सिंह डाबी, देपाल। 18 जून को हमारे पूजनीय बाऊजी ससुर जी का देहांत हुआ और हमने आज एकादशी के दिन उनकी याद में त्रिवेणी वृक्षारोपण किया, जो हमें उनकी याद दिलाता रहेगा। सविता कमल सिंह डाबी। आज हमने हमारे पूजनीय दादाजी जिनका देवगमन कुछ दिनों पहले हो चुका है, उनकी याद में हमने कुछ वृक्षारोपण किया है, जिनकी जो हमें हमारे दादाजी की हमेशा याद दिलाते रहेंगे। उसके लिए हम उन्हें लगातार उनका करके हमारे दादाजी की स्मरण हम याद रखेंगे। मेरा नाम काजल मंडोई।